हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। उसके लिए हमें चाहिए कच्चे आम के पीसेस धो के अच्छे से और अच्छे से कपड़े से उसे पोंछ के उसके बाद उसमें नमक डालना है। नमक 1 kg पे 50 ग्राम डालना है और 2 kg है हमारे तो 100 ग्राम डालना है। और टर्मरिक पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून बाद में डालेंगे। अगर अभी नहीं डालना है तो बाद में मसालों के साथ आप डाल सकते हैं नमक। और 12 घंटों के बीच में उसे अच्छे से ऐसे घुमाना है और ढक के रख देना है। आधे घंटे 1 घंटे बाद जब भी टाइम मिले आप उसे घुमाइए और फिर ढक के रख दीजिए। ऐसे करके 12 घंटे तक रखना है उसे। अब ये हमारे हो गए हैं 12 घंटे और 12 घंटे के लिए सुखाने के लिए रखना है। सुखा के बाद में बाउल में भरना है। बाउल में भर के उसमें मसाले डालने के लिए ऑयल गरम करना है। ऑयल को गरम करके फिर ठंडा करना है, फुल गरम करना है, फिर ठंडा कर देना है। उसके बाद उसमें मस्टर्ड सीड, रेड चिली पाउडर, फेनुग्रीक, कुरिया और कलौंजी, वरियाली और ब्लैक पेपर होल डालना है। और मीठे बनाने के लिए गुड़ और टर्मरिक पाउडर। और अब हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है। अब उसमें मसाले डाल के एक बड़े से तपेले में लेंगे, मसाले डालेंगे, फेनुग्रीक, रेड चिली पाउडर, ये राई के कुरिया, ये मेथी के कुरिया, वरियाली, ब्लैक पेपर, कलौंजी, रेड चिली पाउडर। अब इसमें जितने मैंने मसाले लिए आप उससे दुगने भी ले सकते हैं। हमारे घर में घट कम खाते हैं इसलिए मैंने कम डाले हैं। कम से भी बन सकता है अचार। अब ये ऑयल डालेंगे। ऑयल 1 kg पे, अगर खट्टा बनाते हैं तो 200 ml चाहिए और मीठा बनाते हैं तो उसमें 100 ml चाहिए, क्योंकि उसमें गुड़ जाता है। गुड़ जाने से ख़राब नहीं होती, पिकल ख़राब नहीं होता, इसलिए उसमें कम डालते हैं। अब ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है मसालों का। इसमें आम के पीसेस डाल लेंगे और घुमा देंगे, ये खट्टा और ये मीठा। मीठे में हमने गुड़ डाला है 150 ग्राम। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, 1/2 kg तक भी डाल सकते हैं 1 kg आम में, जितना आपको मीठा पसंद। 1/2 teaspoon उसमें विनेगर डालेंगे क्योंकि उस विनेगर से साल भर ख़राब नहीं होती। अब ये हमका अचार रेडी हो चुका है। इसमें आप 15 दिन तक हिलाएंगे, घुमाएंगे, जिस बरणी में डालेंगे और बरणी में दबा के भरेंगे और ऊपर तक तेल आना चाहिए, ऑयल को ऊपर तक रखना। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।